नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम हो रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग हिंदी का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो आप लोगों का जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो हिंदी में हो जाएगा। अगर आप अंग्रेजी का ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे तो आपके क्वेश्चन का पैटर्न अंग्रेजी में हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मुझे हिंदी के क्वेश्चन आप लोग प्रोवाइड कीजिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और ये क्लास होगी मेमोरी की, जो कि हिंदी में है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शंस और आपको क्वेश्चंस दोनों के दोनों हिंदी में मिलेंगे। तो ये 41 नंबर की क्लास है। इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लास नहीं लिए जाकर ले लीजिएगा। सभी का पीडीएफ भी अवेलेबल है टेलीग्राम पर, आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का भी पीडीएफ हमने शेयर कर दिया और फुल फॉर्म का भी पीडीएफ शेयर कर दिया, ठीक। तो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेमोरी के जो भी क्वेश्चन 2 से या 3 क्वेश्चन शायद आपके एग्जाम में मेमोरी के पूछे जा रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि 2 या 3 क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मेमोरी का मैं चैप्टर आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अदरवाइज कहीं से नहीं आएंगे, ठीक। और फालतू के क्वेश्चंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा और ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर देंगे, लेकिन वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ थोड़ा लेट आप लोगों को मिलेगा, ठीक। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे गए हैं और ये बुक है मेरे पास, ये बुक आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी इवनिंग तक या फिर दोपहर तक आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिक होगा। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग हिंदी में पेपर देना चाहते हैं अगर उनकी इंग्लिश थोड़ी भी ठीक है तो वो इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपको हिंदी में यहाँ पर ऐसे ऐसे अजीबो शब्द मिल जाएंगे जो कि आपके समझ में नहीं आएगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं टिपिकली, अब टिपिकली क्या है, इंग्लिश में होता तो पता चल जाता, अब हिंदी ऐसी शुद्ध हिंदी है तो इसका पता नहीं चल पाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिएगा, इसीलिए मैं हिंदी के प्रश्न नहीं ला रहा था, ठीक। तो जिनको थोड़ा भी नॉलेज है इंग्लिश का वो इंग्लिश में देंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स बी होगा, CDRW, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज आपने डाटा रखती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि जो बिजली बंद हो जाती है उसके बाद जो डाटा स्टोरेज रखती है उसको क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं इसके अर्थ के लिए वे यूजर को डाटा करने देते हैं, यूजर को डाटा करने देते हैं, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर यहाँ पर होता है डी, जी हाँ फ्रेंड्स, स्टोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी उन सभी इंट्रैक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो ये कौन सा राइट आंसर है, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो कि स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरी उन सभी इंट्रैक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। तो ये चौथे नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, जी हाँ फ्रेंड्स, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ई, इंस्टॉलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, छठे नंबर के क्वेश्चंस पे, कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, रैम, लैन, सीपीयू, डीएसएल, यूएसबी, तीन में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। छठे नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसका होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब पीसी पर किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कहाँ पर होता है जब हम पीसी पर काम करते हैं, तो रैम पर होता है या फ्लैश मेमोरी पर होता है या रोम पर होता है या सीडी रोम पर होता है या सीपीयू पर होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका सातवें नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, रैम पर, जो कि पावर कट करने के बाद अगर हम उसे सेव नहीं किए होते हैं तो वो मेरा डाटा जो आपका डाटा होता है
वो गायब भी हो जाता है। इसीलिए जब कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो सेव करके रखते हैं तो वो डाटा सेव रहता है, बचा रहता है। जब पावर कट हो जाती है यानी कि बिजली चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकाल लिया जाना है, क्योंकि टैप रैंडम एक्सेस मीडिया है या रीड ओनली मीडिया है, महंगा स्टोरेज मीडिया है या सिक्वेंसली एक्सेस मीडिया या या फिर फ्रेजाइल और आसानी डैमेज्ड है। तो आठवें नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर यहाँ पर ई होगा, महंगा स्टोरेज मीडियम। और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, 4, 2, 8, 1। तो ये 9th नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ए, 4 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 10वें के नंबर के सी क्वेश्चंस पर। 10वें नंबर का जो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, एलयू, माउस, कंट्रोल का संकलन, इनमें से कोई नहीं, या फिर रैम। तो कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस है वो है रैम। ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, 11वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो उसे क्या कहते हैं जहां पर डाटा प्रोग्राम रखे जाते हैं, तो ये है इसका राइट आंसर मेमोरी बी, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेमोरी का चैप्टर चल रहा है तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑप्शन मेमोरी के ही सही होंगे, ये आपको जानना चाहिए। लेकिन जो आपका वहाँ पर पूछे जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस, तो वहाँ पर सब मिक्सचर्स रहेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। तो मेमोरी का चैप्टर में बता रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस फंस जाएंगे। आप लोग एक बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा या फिर PDF ही पढ़िएगा, आपकी मर्ज़ी है। वीडियो वॉच करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो 12th नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं दिया गया है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है या किसे कहते हैं। फ्रेंड्स 12 नंबर का ए राइट आंसर होगा, यानी कि भीतरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फ्लॉफी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी में संबंध रखती है। तो जो फ्लॉफी डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी में संबंध रखती है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सत्य है, इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, या फ्लैश में प्रोग्राम अस्थाई होते हैं, या रोम में प्रोग्राम अस्थाई होते हैं, या सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, सी, रोम में प्रोग्राम अस्थाई रखे जा सकते हैं यानी रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में आखिर में से किसे कहा जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम के इनमें से किसे कहा जाता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा, रैम को, यानी रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट निकाले जाते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन से कौन सा कंटेंट निकाला जाता है, ऑप्शन में आप लोग दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा फ्रेंड्स डी, मेमोरी। जैसे आप लोगों को पता होगा मेमोरी का चैप्टर चल रहा था, माफ़ी चाहते हैं तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी के लिए किस वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जिसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रैम किस प्रकार की मेमोरी है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी है, मुख्य, सहायक है, इनमें से कोई नहीं, या भीतरी है। तो ये 18वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है डी, इसे मुख्य मेमोरी कहते हैं, यानी कि मेन मेमोरी। 19 नंबर के राइट आंसर पर पहुँचते हैं क्वेश्चंस पर, कि सुपर कंप्यूटर में फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है, जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है उसमें फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, 500। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। ठीक, और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है बी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मेन मेमोरी होती है उसको वोलेटाइल बोलते हैं, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। निम्नांकित में से कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, ईरोम है, रोम है, रैम है, पीरोम है, या ERM है। तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला फ्रेंड, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 21 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी बी। ठीक, रोम।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फ्लैश क्या है? जी हाँ, फ्लैश जो होता है वो क्या है, 22 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है यानी कि डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, 22 नंबर का राइट आंसर डी होगा। 23 नंबर के क्वेश्चन पर पहुँचते हैं कि निम्न में से कौन रैम नहीं है, इनमें से कौन रैम नहीं है, आप लोग जल्दी से बताइए। अभी अभी आप लोगों को हमने बताया है 22 नंबर के क्वेश्चन पर, तो आप लोगों को पता होगा। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, पी रैम। ठीक, निम्न में से कौन सी रैम नहीं है, 23 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी। जी हाँ फ्रेंड्स, पी रैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर के क्वेश्चन पर कि सेल फोनों से किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी फ्लैश यानी कि रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, 25 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ए, प्राइमरी यानी कि मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 26 नंबर के क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किस प्रकार के लिए किया जाता है। ठीक, 26 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा, कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें पावर कट होते ही बिजली समाप्त डाटा समाप्त हो जाता है, हमने आपको ऊपर भी बताया था, जिसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 27 नंबर का ये क्वेश्चंस है। ठीक, और इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है रैम। जी हाँ फ्रेंड्स, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, जिसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, 9 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो ये सहायक मेमोरी है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रैम एक प्रकार नहीं है, मेगाबाइट 32 मेगाबाइट 64 मेगाबाइट इनमें से कोई नहीं, या 574 मेगाबाइट, तो 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी। ठीक, 574 मेगाबाइट, 30 नंबर का राइट आंसर होगा सी। अब 31 का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, सीडी रैम का उपयोग होता है कहाँ पर होता है, 31 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए, कंपैक्ट डिस्क को रीड करने में। ठीक, ये सीडी रैम का यूज होता है। 32 नंबर का यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थाई स्टोरेज उपलब्ध कराता है, तो वो कौन सा भाग है कंप्यूटर का, 32 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, रैम। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीडी रोम का पूर्ण रूप है यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। ठीक, 33 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक, कि सीडी रोम का पूर्ण नाम क्या होता है, हमने आपको बहुत बार बताया, अभी जो फुल फॉर्म का वीडियो अपलोड किया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को सभी को फुल फॉर्म पता होगा, और उससे पहले हमने आपको इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, सीडी रोम का यानी कि बी होगा, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सीडी से कंपैक्ट डिस्क हो गया और रोम का रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड भी कर लीजिएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, 34 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, स्टोरेज माध्यम का क्षमता का जो है 34 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर होगा ए, बाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ रैम का तात्पर्य है क्या है, रिसेंट एंड एशियंट मेमोरी या रीड एंड मेमोरी या रिकॉल ऑल मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी या इनमें से कोई नहीं, तो कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है और ये क्वेश्चन है आप लोगों का 35, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, 36 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, ए और बी दोनों यानी कि चुंबकीय टैप और डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेमोरी शब्द किसे से संबंधित है, लॉजिक से, स्टोरेज से, कंट्रोल से, इनमें से कोई नहीं या इनपुट से, तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आई होप आप सभी लोगों को पता होगा और इसका राइट आंसर यहाँ पर है डी, स्टोरेज से।
इनपुट से, यानी कि ये तो डिवाइस से संबंधित है, इनपुट या आउटपुट और डाटा से भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ 38 कि निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकते हैं निम्नलिखित में से होता है, केवल मेमोरी, केवल रन, केवल राइट, इनमें से कोई नहीं, केवल रीड। 38 नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल रीड। जी हाँ फ्रेंड, जिसे हम पढ़ सकते हैं बट मिटा नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया 39 का, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। 39 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। CD से आप क्या समझ सकते हैं, CD क्या है, पढ़ सकते हैं या तो पढ़ या लिख, या लिख, इनमें से कोई नहीं, या पढ़ और लिख। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी, पढ़ और लिख, यानी कि रिटाइटेबल मेमोरी ये होती है। और 41 नंबर का राइट आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा, कहाँ पर होगा, रैम पर होगा, मदरबोर्ड पर होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर होगा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में होगा, इनमें से कोई नहीं। 41 का राइट आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, जी हाँ फ्रेंड्स, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोरेज की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं। 42 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, स्टोरेज क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। तो 43 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है फ्रेंड, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, जी हाँ फ्रेंड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, CDRW डिस्क, फिर से यहाँ पर CDRW डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, या फिर जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोग चूज करके बताइए। 44 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा डी, इरेज को रीराइट किया जा सकता है, ठीक, इसका राइट आंसर डी होगा 44 का। 45 का आप लोग देख पा रहे हैं, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है, कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, माइक्रो प्रोसेसर है, आउटपुट डिवाइस है, इनमें से कोई नहीं है, मेमोरी है। तो 45 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा डी, जी हाँ फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोग चूज कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ किया जा जाए, यानी कि जैसे ही कंप्यूटर का करंट ऑफ हो जाएगा तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे अगर सेव नहीं रहेंगे तो। 47 नंबर का राइट आंसर आप लोग देख पा रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, रोम कौन सी विशेषता इसको उपयोगी बनाती है। तो ये 47 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका राइट आंसर बी होगा, लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्कैनिंग करने में थोड़ा इनका मिस्टेक हो गया है, और देखते हैं इसका राइट आंसर कहाँ पर है। नहीं फ्रेंड्स, ये राइट आंसर आप लोगों का दिया गया वो पेज नंबर है बी, रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, आप लोग देख पा रहे हैं। यानी कि जैसे कि रीड ओनली मेमोरी में जो डाटा होता है, जैसे हम सेव कर देते हैं तो रीड ओनली मेमोरी में डाटा चला जाता है, हम कोई भी डाटा या स्टूडेंट की सीट तैयार कर रहे हैं और पावर कट हो जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए, किसी तरह से स्विच ऑफ हो जाता है, तो जो डाटा होता है हमारा वो सेव रहता है, जब हम दोबारा से अपना कंप्यूटर ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमारा डाटा फिर से पहुँच जाएगा। तो ये रीड ओनली मेमोरी की विशेषता है, खासियत है, और उसे यही क्वालिटी विशेष बनाती है। अब 48 नंबर के राइट आंसर पर पहुँचते हैं कि जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, ठीक। 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी क्या है, हमने आपको बताया रैम है, मुख्य मेमोरी जिसे कहते हैं। 49 DVD का उदाहरण है, अब यहाँ पर आप लोगों से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन देख पा रहे हैं, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये उदाहरण पूछ रहा है कि DVD का उदाहरण है क्या है, और DVD का फुल फॉर्म क्या होता है हमने आपको बताया था, ठीक, और बुक भी प्रोवाइड की थी। तो 49 नंबर की, और माफ़ कीजिएगा, PDF प्रोवाइड किया है टेलीग्राम पर, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए फुल फॉर्म के, और वहाँ से अलग फुल फॉर्म आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो 49 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, बी, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD-ROM के फायदे हैं,
ठीक, 15 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए बृहस्तर पर डाटा और जानकारी स्टोरेज करने की सीडी रोम का एक कम खर्चीला इनएक्सपिस तरीका है। एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के भी हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ही जल्द आने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। और बाकी अंग्रेजी क्वेश्चंस हमने 100-100 प्रोवाइड कर दिए हैं पावर पॉइंट एक्सेल एमएस वर्ड के, आप लोग जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा उन वीडियोज़ के। तो 51 नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं, निम्न में से कौन सा घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, ये सभी। ठीक, 52 नंबर के क्वेश्चन पहुँचते हैं, कौन सी मीडिया डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है, यानी लिखने की क्षमता है। तो 52 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, CDRW, ठीक, यानी रिटाइटेबल मेमोरी जिसे कहते हैं RW। 53, यानी स्टोरेज मीडिया जैसे CD जो सूचनाओं के प्रकार में लिखती हैं और पढ़ती हैं। 53 आप लोग देख पा रहे हैं, 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए रेड लाइट के लेज़र झरोके से जिसे लिखती हैं, लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। ठीक, रेड लाइट के लेज़र झरोके से। और यहाँ पर आप लोग देखा 54, जब पावर आप बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स खो देते हैं, वे हैं डायनेमिक, वेलाटाइल, सटीक, गैर वेलाटाइल या फॉल्टी, दोषपूर्ण। 54 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स, तो 54 नंबर का यहां पर राइट आंसर होगा सी, जी हाँ, वेलाटाइल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रीडीज स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डाटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। ये 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। 56 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, डी, जी हाँ फ्रेंड्स, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 57, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ये 57 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा, डी, डाटा बस डिस्केक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसका जो दूसरा नाम है क्या है। 58 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, ये सभी, आंतरिक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी, ये सभी कहा जाता है कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को, यानी मेन मेमोरी को। 59 क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। 59 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा बी, फॉर्मेटिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोगतः परिवर्तित या इरेज नहीं किया जा सकता है। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, केवल रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। 61 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ई, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डाटा लोड रहता है और काम करता है। ठीक, 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, जी हाँ फ्रेंड्स, 62 का डी, रैम मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 63, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को कहते हैं। 63 नंबर का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी, एड्रेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 64, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इनमें से कोई नहीं, कैश मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। तो ये 64 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। 65 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर होगा ई, कीबोर्ड, ये स्टोरेज माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 66 में वोलेटाइल चिप होते हैं डाटा या इंट्रैक्शंस को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। तो क्या होता है वोलेटाइल, 66 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। जी हाँ, 67 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, हार्ड डिस्क ड्राइव। और 68 नंबर का राइट देख पा रहे हैं, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी, जी हाँ फ्रेंड्स, अस्थाई रूप से
नहीं केवल अस्थायी रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंट्रैक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या है। 39 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स, और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, माफ़ कीजिएगा 39 बोल रहा हूँ, 69 क्वेश्चन पहुँच गए हैं हम, और इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ए, कैश। ठीक, और सबसे फास्ट मेमोरी जो कंप्यूटर को होती है वो कैश मेमोरी ही होती है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, ये 69 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि में भिन्न होती है, 17 नंबर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर ए होगा, उनमें से पीरियड डाटा स्टोर किया जाता है। 71 नंबर के क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। यदि प्रयोक्ता का को सीपीओ में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो स्टोर की जानी चाहिए। ठीक, प्रयोक्ता को सीपीओ में तत्काल मतलब तत्काल इमरजेंसी में उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो स्टोर करनी चाहिए क्या। 71 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बी है, रैम में, और इसकी यहाँ पर आंसर शीट भी दी गई है। ठीक, ये सारे हमने आपको बता दिया है, और हाँ ये एक तरह की पूरी बुक है, इसे हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो। ये मेमोरी चैप्टर था, मेमोरी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। इसी तरह आपके जो भी DIOS NIOS के तहत जो भी आपके सिलेबस हैं उन सारे को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही जल्द। आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।